नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आदित्य चौहान। छींक, साथियों छींक सबको आती है। कुछ लोग बेझिझक खुलकर छींकते हैं तो कुछ लोग छींक को रोक लेते हैं। ऐसा करने की अलग अलग वजह होती है। मसलन कभी कभी हम ऑफिस में बैठे होते हैं, कुछ लोगों के साथ बैठे होते हैं, सीनियर्स के साथ बैठे होते हैं और हमें ऐसा लगता है कि अगर हम छींक देंगे तो वो ठीक नहीं होगा और हम छींकने से परहेज करते हैं। लेकिन साथियों बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसा करना ठीक है? छींकने का फायदा क्या है और ना छींकने के नुकसान क्या है? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि छींक आती ही क्यों है, इसका साइंटिफिक रीजन क्या है? साथियों इस रिपोर्ट में हम छींक पर पूरा विश्लेषण आपको देंगे। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप जिंदगी में कभी भी छींक को नहीं रोकेंगे, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि छींक को रोकना कितना नुकसानदेह होता है। तो चलिए इस रिपोर्ट की एक एक बात को बड़े ध्यान से आप नोट कीजिएगा। दोस्तों छींक आना बेहद आम बात है। सर्दी जुकाम के कारण भी छींक आ जाती है और कभी कभी आम दिनों में भी सामान्य तौर पर भी छींक आना बड़ा लाजमी सी बात है। लेकिन सबसे पहले तो हमें ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर ये छींक आती क्यों है। दोस्तों छींकना शरीर की एक रक्षात्मक प्रक्रिया है। इसके जरिए शरीर नाक और जो हमारे लंग्स की हवा है उसको हमारे मुंह और नाक के जरिए बाहर निकालता है। इससे अलग अलग तरीके के जो हमारे नाक में बैक्टीरिया हैं या फिर वायरस हैं वो दाखिल हो जाते हैं हमारे नाक में, वो छींक आने की वजह से बड़ी आसानी से बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों जब लोग छींक को रोक लेते हैं तो उनके लिए खतरा थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए छींक को रोकना नहीं चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि छींक को क्यों नहीं रोकना चाहिए। छींक आने की मदद से नाक बॉडी को साफ करती है। ये एक तरह की एलर्जी होती है छींक, जिसमें बॉडी छोटे से छोटे एयर पॉल्यूशन कण और फंगल के प्रति बेहद संवेदनशील होती है। जब लोग छींक रोकने की कोशिश करते हैं तो उससे उनके जो कान को बड़ा नुकसान पहुँचता है, जिसकी वजह से कान का पर्दा तक फट सकता है। एक प्रेशर बनता है छींक रोकने से। आँख या नाक की जो सतही ब्लड वेसल्स भी जो होती हैं वो भी टूट सकती हैं। गले या गर्दन में आपके दर्द हो सकता है और मांसपेशियां तक फट सकती हैं। साथियों इसीलिए जब भी आपको छींक आए तो आप उसे रोकने की बिल्कुल कोशिश ना करें, आप छींकें, चूँकि एक नेचुरल प्रक्रिया है। दोस्तों अब मैं आपको छींक आने से जो फायदे होते हैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। छींक आने की वजह से गला और नाक एकदम साफ रहता है और ये हर किसी को कई तरीके की एलर्जी से भी बचा कर रखता है। छींक आने से पहले हमारे नाक में एक गुदगुदी होती है, एक सेंसेशन होता है अलग तरीके का, जिसके बाद नाक और मुंह की वो जो हवा है वो एक सेटिस्फाइंग ब्लास्ट में तब्दील हो जाती है, यानी उसी को हम छींक कहते हैं। तो ये एक नेचुरल तरीका है, एक नेचुरल प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में स्वतः होता है, इसलिए हमें कभी भी छींक को नहीं रोकना चाहिए। दोस्तों जो लोग ऐसा करते हैं उसके चाहे जो भी कारण हो, शर्माहट हो या फिर कोई ऑफिशियल ऑब्लिगेशन हो, कुछ भी हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये जो जानकारी हमने इस वीडियो में आपके साथ साझा की है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर भी करें और हाँ इस तरीके के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें, इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।